बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। क्लास 7 ग्रामर एंड मोर का यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज 2 हमारे पास चैप्टर है नाउंस। नाउंस क्या होते हैं पढ़ लेते हैं। वी नो दैट द नेम्स ऑफ थिंग्स पीपल प्लेस एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नाउन। हमें पता है कि किसी भी चीज़ का, जगह या इंसान के या कोई भी जानवर जो है उसके नाम को हम क्या बोलते हैं, उसे नाउन बोलते हैं। डेफिनेशन है नाउन की, द नेम्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड आर। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास अब काउंटेबल नाउन्स हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अब काउंटेबल नाउन हमारे पास क्या होता है, काउंटेबल नाउन मेरे पास है द नेम्स ऑफ पीपल एंड थिंग्स दैट कैन बी काउंटेड आर काउंटेबल नाउन्स। अब काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, चाहे वो मटीरियलिस्टिक हो या फिर अनमटीरियल हो। किसी भी इंसान, जगह या चीज़ या कोई भी जानवर है, कोई भी चीज़ है, ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको हम काउंटेबल बोलते हैं। दे कैन बी यूज इन द सिंगुलर एंड प्लूरल। और अब ये जो हमारे पास नाउन्स होते हैं काउंटेबल नाउन्स, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी यूज ओनली इन द सिंगुलर फॉर्म आर अनकाउंटेबल नाउन। अब ऐसे नाउन्स जो कि सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में हमारे पास आते हैं, यानी कि हमारे पास अगर वो ग्रुप है किसी भी चीज़ का तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो हमारे पास काउंटेबल नाउन है, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम उसके स्पेसिफिक नेम के साथ बुलाते हैं। जैसे अगर यहाँ पर हमारे पास शुगर है तो शुगर को काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर शुगर होगी तो भी हमारे पास वो क्या होगा, वो सिंगुलर फॉर्म में होगा और हम उसको क्या बोलेंगे, वो अनकाउंटेबल नाउन है। फिर इसी तरह से इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी है और क्या है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि अनकाउंटेबल एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटीरियल नाउन्स क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटीरियल नाउन्स आर यूजुअली अनकाउंटेबल नाउन्स। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और मटीरियल नाउन्स भी, दोनों भी यूजुअली हमारे पास क्या होते हैं, वो अनकाउंटेबल होते हैं, यानी कि हम उनको गिन नहीं सकते। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए पेज नंबर 17 पर पार्ट ए है, टेक द करेक्ट ऑप्शन। हाउ डैश स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, आई हैव टू बुक देयर टिकट्स फॉर कराची। यहाँ पर हम लिखेंगे हाउ के साथ मैनी का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर। डू यू हैव डैश नॉलेज अबाउट कंप्यूटर्स, आई वॉन्ट टू बाय वन। यहाँ पर एनी लिखेंगे, नॉलेज के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एनी इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पर है कैन यू गिव मी ए डैश इंफॉर्मेशन अबाउट पेंगुइन्स, आई हैव टू डू अ प्रोजेक्ट ऑन अंटार्कटिका। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ए लिटरल। यू हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, हाउ डैश सम्स हैव यू बीन एबल टू डू। तो यहाँ पर मच आएगा। आई वुड लाइक टू आस्क यू डैश क्वेश्चन बिफोर आई गिव यू एडवाइस ऑन बाइंग अ न्यू हाउस। यहाँ पर ए फ्यू क्वेश्चन हम इस्तेमाल करेंगे। हाउ डैश शुगर डू यू लाइक इन योर मिल्क। तो यहाँ पर हम मच इस्तेमाल करते हैं हाउ के साथ। आई नीड डैश वीक्स फॉर रेस्ट टू रिकवर फ्रॉम माई इलनेस, आई एम फीलिंग वेरी सिक। यहाँ पर इफ फ्यू इस्तेमाल करेंगे। आई हैव टू टेक डैश फोटोग्राफ्स विद माई कैमरा बिफोर आई बिकेम एन एक्सपर्ट एट यूजिंग इट। तो यहाँ पर हम फोटोग्राफ्स के साथ मैनी इस्तेमाल करेंगे। गो फॉर अ वॉक टू द नियर बाय पार्क एवरी मॉर्निंग एट डैश फ्रेश एयर। यहाँ पर हम सम यूज करेंगे। आई बोट डैश बाइनोकुलर्स, आई इंटेंड गोइंग बर्ड वॉचिंग टू मरी इन दिसंबर। तो यहाँ पर अ पेयर ऑफ, आपको पता है कि बाइनोकुलर जो होता है उसका पेयर होता है। फिर इसके बाद हम पेज नंबर ओपन करेंगे, पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पर हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए एन और द। आपको पता है ए एन और द क्या होते हैं, हमारे पास आर्टिकल्स होते हैं। पुट अ क्रॉस वेयर नो आर्टिकल इन नीडेड। और हमने क्या करना है, इन तीनों आर्टिकल्स को पुट करना है और जहां हमारे पास आर्टिकल की जरूरत नहीं है वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर क्रॉस लगा देंगे। देयर इज डैश कर्ल्स इन आवर गार्डन थ्रेड इन द नीम ट्री ऑल डे अलॉन्ग। तो हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, स्केल की बात हो रही है, ये हमारे पास सिंगुलर है तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर ए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा। दिस कार रन्स ऑन डैश पेट्रोल, सम कार्स रन ऑन सीएनजी। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। इब्राहिम शायद गॉट डैश 24 एज इन ओ लेवल्स। तो यहाँ पर क्या हमने इस्तेमाल करना है, यहाँ पर भी क्रॉस करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। डैश बीम ऑफ लाइट
press the darkness, तो यहाँ पर A beam of light आएगा. So I must want to learn to play dash guitar. I am looking for someone who can teach him. तो यहाँ पर भी cross इस्तेमाल होगा, यहाँ पर भी कोई भी हमारे पास article नहीं आएगा. Would you like dash coffee tea? और यहाँ पर भी हम cross लगाएंगे. Salma is dash expert in English grammar. You can ask her about countable nouns. यहाँ पर expert है क्योंकि E से start हो रहा है ये word. ये हमारे पास क्या होता है, vowel में से word है, तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आपको पता है कि vowel के साथ articles में से हमेशा N इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर N आएगा. Dash cleanliness is very essential in hospitals. It keeps infection from spreading. तो यहाँ पर क्या होगा, cross आएगा. हमारे पास यहाँ पर किसी किस्म का कोई भी article इस्तेमाल नहीं होगा. Ma has bought dash box of grapes. The box has 4 kilograms of grapes. अब यहाँ पर box है, box हमारे पास क्योंकि B से start हो रहा है, ये consonant है, और यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, और singular भी हमारे पास, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे A. Tara splash dash water over me. I'll have to change into dry clothes. और यहाँ पर भी किसी कोई भी नहीं आएगा हमारे पास आर्टिकल, यहाँ पर भी क्रॉस लगाएंगे. I'll teach you dash exercise to improve your eyesight. If you'd like, if you'd it every day, your eyesight will be improved. तो यहाँ पर एक्सरसाइज हमारे पास क्या, ई से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारे पास एक वॉवल है, तो इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे एन. फिर इसके बाद है आई मीट यू इन डैश आवर इफ दैट्स convenient for you. और यहाँ पर भी अब आवर जो है, आपको बताया कि हेट जो है वो साइलेंट होता है, और ओ से ये स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ओ की सेंस के साथ हमारे पास ओवल वॉवल जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे. फिर नेक्स्ट देखिए, पार्ट डी है मेरे पास. फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द बॉक्स. पुट ए क्रॉस वेयर नन इज नीडेड. यू मे नॉट नीड ऑल द फ्रेजेज ऑफ वर्ड्स. You may need to use some more than once. अब हमारे पास ये एक बॉक्स दिया गया है, इसमें कुछ फ्रेजेज और कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, हमने इनमें क्या करना है, हमारे पास ये जो फिलिंग दी ब्लैंक्स है, हमने इसमें पुट करना है इनको, और हमें बताया गया है कि सारे हमें ये जो वर्ड्स हैं इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, हम एक को एक से ज्यादा दफा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहां पर हमें, जहां पर नहीं यूज होगा वहां पर हम ये नहीं लिखेंगे. फर्स्ट वाला है आई लुक्ड आउट ऑफ डैश विंडो. तो यहाँ पर हमारे पास क्या इस्तेमाल होगा, द इस्तेमाल होगा. फिर इसके बाद है आई सॉ डैश लार्ज डार्क क्लाउड्स कवरिंग डैश ब्लू स्काइज. आई सॉ मैनी लार्ज क्लाउड्स. और यहाँ पर नेक्स्ट में कवरिंग द ब्लू स्काई होगा. फिर सून डैश सन वॉज हिडन बिहाइंड डैश डार्क क्लाउड्स. यहाँ पर पहले हमारे पास इस्तेमाल होगा द सन एंड फिर बिहाइंड सेवरल डार्क क्लाउड्स. फिर इसके बाद I saw dash look of a bird flying across the sky. यहाँ पर हमारे पास पहले इस्तेमाल होगा A and then इस्तेमाल करेंगे the. फिर इसके बाद they had probably anticipated dash rain and were heading toward their nest. और यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, the इस्तेमाल करेंगे. Dash later I heard dash thunder and dash lightning flashed across. अब स्टार्टिंग में हम इस्तेमाल करेंगे ए लिटिल, फिर इसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे सम, फिर मोर इस्तेमाल करेंगे एंड देन द इस्तेमाल करेंगे. डैश मिनट लेटर अनदर साउंड अलार्म मी. इफ यू आएगा यहाँ पे, दिस साउंड हैड नॉट कम फ्रॉम डैश स्काई. यहाँ पर द इस्तेमाल करेंगे. डैश साउंड हैड कम फ्रॉम द लॉन इन द रियर ऑफ द हाउस. यहाँ पर भी हम द का इस्तेमाल करेंगे. आई वेंट टू द विंडो दैट ओवरलुक डैश लॉन. तो यहाँ पर भी हम द का इस्तेमाल करेंगे. टू माई अमेजमेंट I saw dash pretty peacocks. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैनी का इस्तेमाल करेंगे. That day I realized that while dash birds dread dash rain dash of them enjoy it. यहाँ पर पहले हम सम का इस्तेमाल करेंगे, then the आएगा, और फिर हमारे पास a few आएगा. फिर इसके बाद पार्ट ई है हमारे पास. Here are some interesting facts about animals. टेक द करेक्ट ऑप्शन टू कम्प्लीट दम. अब यहाँ पर हमें क्या बताया गया है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए गए हैं एनिमल्स के बारे में और मुख्तलिफ स्पीशीज के बारे में. हमें क्या करना है, इनको करेक्ट को हमें टिक करना है. इस पर डैश स्पीशीज ऑफ बैट्स आर वेजिटेरियंस. और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम मैनी को टिक करेंगे कि मैनी स्पीशीज ऑफ बैट्स आर वेजिटेरियन. वेन डैश एलिफेंट फ्लैप्स इट्स ईयर्स इट वॉन्ट्स यू टू गो अवे. यहाँ पर हम एन इस्तेमाल करेंगे क्योंकि एलिफेंट ई से स्टार्ट होता है और ई हमारे पास क्या होता है, वॉवल है.
फिर इसके बाद वेल्स डॉल्फिन एंड सील्स आर डैश मैमल्स, और यहाँ पर ऑल का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वेल्स डॉल्फिन एंड सील्स ये सारे क्या हैं, ये मैमल्स हैं। अ जिराफ हैज द सेम नंबर ऑफ बोन्स इन इट्स नेक एज यू डू 7, हाउएवर डैश बोन्स इज क्वाइट लॉन्ग। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ईच वो बता रहे हैं कि उसकी जो सारी बोन्स होती हैं वो एक जैसी ही लंबाई में होती हैं। डैश स्लॉट्स अपीयर ग्रीन बिकॉज दे हैव एल्जी इन देयर हेयर। तो यहाँ पर हम सम इस्तेमाल करेंगे। डैश एंटीएटर इज टूथलेस, यहाँ पर मैनी का इस्तेमाल करेंगे। डैश मैमल्स हैव हेयर बट ह्यूमंस हैव द मोस्ट हेयर्स, तो यहाँ पर ऑल आएगा। इफ यू डिडंट ट्रीम योर हेयर इट वुड रीच डैश फ्लोर, तो यहाँ पर हम द का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट एज पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री साउंड डिफरेंट दो they are speaking that same language, words too sound different from place to place. तो यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर दा का इस्तेमाल करेंगे। Next page पर dash birds have large brains, many birds has large brains. Magpies and ravens have dash brain cells. तो यहाँ पर आएगा a large number of. फिर इसके बाद यहाँ पर देखते हैं अब क्या होता है, कलेक्टिव नाउन्स क्या है। अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स दैट आर टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल। अब कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स कुछ चीजों का ग्रुप होता है, कुछ कॉम्बिनेशन होता है कुछ चीजों का, जिसको हम हमेशा एक स्पेसिफिक नाम के साथ बोलते हैं और उनको अलग अलग नहीं बोला जाता है, उनका अलग। जैसे कि क्लास में कोई स्टूडेंट्स हैं, अगर एक स्टूडेंट है तो उसको हम क्लास नहीं बोल सकते, अगर एक से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे कि ये क्लास है। तो जो ग्रुप होता है किसी भी नाउन का उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं और उसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। हमने यहाँ पर क्या करना है, अब मैच द कॉलम्स, अब हमने मैच द कॉलम्स करने हैं। हमारे पास एक ग्रुप का नाम दिया गया है किसी भी चीज के, हमें उसके कलेक्टिव नाउन के साथ उसको जोड़ना है। सबसे पहले है ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। अब ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स को हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम कल्चर, अगर सेम कल्चर के लोग होंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, उनको ट्राइब बोलेंगे यानी कबीला बोलेंगे। अ कलेक्शन ऑफ गुड्स, अगर बहुत ज्यादा चीजें होंगी कोई तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको स्टॉक बोलेंगे। अ सेट ऑफ रूम्स इन अ होटल, तो हम अगर होटल्स का एक ग्रुप होता है तो उसको हम सुइट बोलते हैं। तो इसके बाद अ सेट ऑफ रूम्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर इन अ चर्च, अगर बहुत ज्यादा लोग किसी चर्च में इकट्ठे होंगे तो उनको कॉन्जिगेशन बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अगर सोल्जर का एक ग्रुप होगा तो उसको रेजिमेंट बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, अगर स्टार्स का एक ग्रुप होगा तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ पीपल, अगर एक जगह पर ज्यादा लोग होंगे तो उसको हम बोलेंगे क्राउड। अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इन अ गेम, अगर गेम में एक से ज्यादा लोग होंगे तो हम उनको टीम बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ बर्ड, अगर बर्ड का ग्रुप होगा तो हम उसे बेबी बोलते हैं। फॉलोवर्स ऑफ अ लीडर, रिलीजियस लीडर, तो हम उसको डिवोटीज बोलेंगे। दोज वर्क ऑन अ शिप, तो उसको हम क्रू बोलेंगे। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक डिसीजंस ऑन एन इशू, अगर एक जगह पर बहुत से लोग किसी भी इशू पर बात करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको कमेटी बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नए लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।